व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और इसकी आप लुक देखें जो कि बहुत मज़ेदार होगा और बनाने में उतना ही आसान होगा। तो इस इजी और सिंपल रेसिपी को बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 3 किलो गाजरें ली और इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और यहाँ मेरे पास दूध है, इसमें से हम 2 कप यूज करेंगे। यहाँ मैं देचके में 1/2 लीटर दूध डालूंगी। मेरे पास दूध नीम गर्म है। इसलिए इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें अपनी कद्दूकस की हुई गाजरें भी डाल देंगे। सारी गाजरें हम इस गर्म दूध में डाल देंगे। मैंने 1/2 लीटर गरम दूध लेके तो उसमें गाजरें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाकिस्तान की गाजरें तो माशाल्लाह बहुत रेड रेड और लाल लाल होती हैं, लेकिन यहाँ ये ऑरेंज कलर की ही हमें मिलती हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे रेड मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसे कवर करके पकाएंगे। बहुत सारे लोग गाजरों के बराबर का दूध डालते हैं, बहुत सारे लोग गाजरों की क्वांटिटी से थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है क्योंकि दूध डालने का मकसद सिर्फ गाजरों को गलाना है। टेस्ट जो आएगा वो खोए से ही आएगा, तो इसमें इतना ही काफ़ी है। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि दूध खुश्क ना हो जाए। अब हम अपने गाजर के हलवे को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, अभी भी इसमें दूध है। अभी इसे और पकने देते हैं। अब हम अपने हलवे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें से दूध बिल्कुल खुश्क तो नहीं, लेकिन काफी हद तक खुश्क हो चुका है। ये बस थोड़ा बहुत रह गया। अब हम यहाँ इसमें 300 ग्राम मेरे पास चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आप खाते हो। चीनी डाल के अच्छे से मिला देंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, कवर हटा के ऐसे ही इसे पकाएंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज कर लेंगे। पहले दूध के साथ पकाते हुए गाजरों को मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा था, अब हम थोड़ा फ्लेम तेज कर लेंगे और इसको ऐसे खोल के ही पकाएंगे ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। मैंने इसे कवर नहीं किया था, ऐसे ही पकाया था खोल के। अब जो यहाँ हमने चीनी डाली थी उसका पानी खुश्क हो चुका है, ये देखो। अब मैं यहाँ इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दूंगी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून घर की बलाई है, ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये भी डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। अब यहाँ मेरे पास खोया है, मैं ये भी डाल दूंगी। मेरे पास होममेड खोया है, आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
कुछ मैं गार्निशिंग के लिए भी बचा लूंगी। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, 2 कप मिल्क पाउडर डाल लें आप, तो फिर भी आपका बहुत अच्छा गाजर का हलवा बन जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मेरे पास यहाँ पिस्ता और बादाम है, मैं ये भी डाल दूंगी थोड़े थोड़े, थोड़ा मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। पिस्ता और बादाम डालने के साथ ही यहाँ मैं इसमें 1 कप देसी घी डालूंगी। इसे मैंने गरम कर लिया है, गरम मैंने इसलिए किया ताकि इसका थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाए। घी डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और फ्लेम को लो पे कर देंगे। उसे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए घी के साथ भून लेंगे। हलवे को यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम यहाँ इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे करेंगे डिश आउट। तैयार है मजे मजे का हमारा गाजर का हलवा। अब हम अपने हलवे को गार्निश कर लेंगे खोए के साथ। तो तैयार है हमारा विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।